तो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो यार, आज थी सुप्रीम कोर्ट की ईयरिंग रिव्यू पटिशन पर, जो कि 6 स्टेट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं कि जो रिव्यू पटिशन का रिजल्ट 1:30 पर अनाउंस होना था, वो अनाउंस क्यों नहीं हुआ। और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि आप सचमुच ईयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही है या फिर स्टूडेंट्स को वैसे ही गुमराह किया जा रहा है। तो इसके ऊपर टोटल डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ बताऊंगा रिजल्ट के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, अभी अभी लिस्प्रिया कंगजुम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ईयरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में ना होकर जो जस्टिस अशोक भूषण है उनके घर पर हो रही है। दोबारा से बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की ईयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना होकर जो जस्टिस अशोक भूषण है उनके घर पर हो रही है। तो रिजल्ट अभी तक उसका नहीं आया है क्योंकि ईयरिंग चल रही है। जैसे ही कोई रिजल्ट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। सो गाइस, थोड़ा पेशेंस रखिए, सुप्रीम कोर्ट की ईयरिंग हो रही है और जल्द ही हमें इसका पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लिस्प्रिया कंगजुम खुद जो है वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची है 1:20 पर, ठीक है। उन्होंने अपनी पिक्चर्स भी अपलोड की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर की, तो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। जो ईयरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में ना होकर जस्टिस अशोक भूषण जी के घर पर जो है वो चल रही है। जैसे ही कोई रिजल्ट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को चैनल पर दे दूंगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स वगैरह जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यार, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइस, यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ आगे भी चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।